लाल बिहारी जी कमाला जो बना हुआ है जिला परिषद उपाध्यक्ष भाई लाल बिहारी जी और चुनावी तरारी उपचुनाव के चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित माले के बड़े नेता भाई दीपांकर भट्टाचार्य जी वीआईपी पार्टी के लोग देखे वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहारी जी आरा के भोजपुर के सांसद सुदामा प्रसाद जी एमपी राज्यसभा संजय यादव जी माननीय विधायिका किरण देवी जी अदीप रिजवी साहब जी कुणाल चौधरी जी बीरबल यादव जी जवाहर प्रसाद जी फतेह बहादुर जी हकीम प्रसाद जी मुकेश जी अजीत कुशवाहा जी मनोज मंजन जी पीके सिंह जी मनोज सिंह सरोज यादव जी राम बाबू पासवान जी लाल बाबू जी ओम प्रकाश सिंह जी और ओम प्रकाश सिंह जी जिला अध्यक्ष है वीआईपी पार्टी के सभी हमारे नेता महागठबंधन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और तरारी से आए हुए सभी अभिभावकों को यहीं से दूर नमस्कार करते हैं और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए ये उपचुनाव नहीं है, ये केवल उपचुनाव नहीं है, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और ये रास्ता तय करेगा कि 25 में किसकी सरकार बनेगी। रावल और ज्यादातर राजू भाई के राजू यादव जी के महागठबंधन माले से टिकट मिल बा हम अपील कर रहे बनी एक एक वोट में होमोच करके तेजस्वी जीतेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा हाथ उठाने के बताए यहां ढेर लोग आया प्रचार में है कि नहीं। बड़ा भारी भारी लोग चुनाव लड़ रहा है सामने तो छोट लोग हम लोग तो छोटे लोग हैं गरीब का पार्टी है कुछ लोग अमीर का काम करते हैं निरोई की पार्टी है और कुछ नया नया फुलझड़िया पार्टी आया है। फुलझड़िया का काम क्या हो रहा हो तुरंत साफ हो जाता है। खैर लोकतंत्र है जनता है अपने के मालिक बानी सब लेकिन मालिक सब देखा था लोग के जनता के लड़ाई लड़ता है के सामाजिक न्याय धर्म परीक्षा में विश्वास कर लेते हैं गरीब की लड़ाई लड़ते हैं। लालू जी ने गरीबों को उठाने का काम किया गरीबों को जुबान देने का काम किया जिन लोगों ने तानाशाही किया था रोटी एक तरफ पक रहा था जल रहा था लालू जी पलट पलटे कि नहीं पलटे सामाजिक न्याय किए कि नहीं किए। करारी से कोई और के झंडा माले और राजन में कोई अंतर है सब एक के हैं काफी लोग नारा लगाई लेते हैं एकदम महागठबंधन का झंडा माले का झंडा करारी से एकदम खिले के चाहिए। और देखिए 25 का रास्ता ही तय करेगा और
आप लोग जनता है, मालिक है, आप लोगों को फैसला लेना है। एक तरफ देश के संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, एक तरफ लोकतंत्र खत्म करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ हम लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम लोग आरक्षण वाले लोग हैं, मंडल वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। किसके आप लोग हम लोग कलम बांटते हैं, नौकरी बांटते हैं, भाजपा के लोग तलवार बांटते हैं। तलवार, नफरत, जहर, तोड़ना, ये भाजपा सांप्रदायिकता को भाई को भाई में लड़ाना, इन लोगों का यही काम है। अमन चैन होना चाहिए, मिलजुल करके सबको रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा था वेलफेयर इज नो, भगवान बुद्ध ने कहा था व्हेन देयर इज पीस देयर देयर इज प्रॉस्पेरिटी, यानी जहां अमन चैन होगा, शांति होगी, वहीं विकास होगा, वहीं के लोग जो है आगे बढ़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी होगा। इसलिए सब लोग गोलबंद होइए। और देखो बीच में तो आप लोग हम लोग मुख्यमंत्री बनाए ना दिए थे, महागठबंधन का सरकार नहीं ना आए थे, ये तो भाजपा वाले लोग चार पांच सीट, दस सीट बेमानी कर दिया, कहीं से 12 सीट से 12 वोट से हरा दिया, कहीं 50 वोट से हरा दिया। तो देखो बीच में हम क्या कहे थे कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा। अब हमारे चाचा का कहते रहे असंभव है, अपने बाप के पास से लाएगा पढ़ते हैं। तो हम लोग उनको बना के भाजपा को भगाइए, आइए वो आए, हम मुख्यमंत्री बने। अब 5 लाख लोगों को 17 महीने में सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए हैं, बहाली निकलने वाला है, और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने देने का काम किया। तालमी मंडल विकास में पूरा सहयोग मांगता है, सबके मानदेय को हम लोगों ने पूरा किया केवल 17 महीने में। आंगनबाड़ी, जीविका की दीदी लोग जो है सब लोग परेशान है सरकार से, हम चाहते हैं जीविका दीदी आता है बोलता है कि वोट दो नहीं तो हम काट देंगे पैसे। हम जीविका की दीदी लोग को कहना चाहते हैं जुट होइए, लड़िए, और आपको हम लोग इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जब विधानसभा में भी हम लोग आवाज उठाएंगे, और जब अपना सरकार बनेगा तो सबको सम्मान देने का काम करेंगे। ये हम लोग काम करने वाले लोग हैं। लेकिन मोदी जी 11 साल हो गया, 11 साल में मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ नौजवान में नौकरी देंगे, कहाँ है भाई 22 करोड़। बोले थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, यही ना आपके मैदान में क्या बोली लगाई थी बिहार की, कितना का स्पेशल पैकेज, इतना करोड़ लोग बिहार के लिए कहां है मिला। ये लोग झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, भारत को जलाने वाला पार्टी, बिहार जो है आरा जो है वो सबक सिखाएगी। सबसे ज्यादा बहाली कहां होता था, सेना में और रेलवे में। रेलवे को लोग पेश किया, सेना में अग्निवीर लाया, हम लोगों को मौका मिला होता केंद्र सरकार में तो सबसे पहले अग्निवीर खत्म करते। यही भोजपुर का इलाका है, यही बक्सर का इलाका है, सब नौजवान सब दिन रात ट्रेनिंग करता है, खुदों से करता रहता है, भागता रहता है कि कैसे हूं कैसे हूं भाई, पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी लग जाए, आर्मी में लग जाए या सिपाहियों में लग जाए बिहार पुलिस के, है कि नहीं। लेकिन 4 साल में खत्म कर देंगे, जब तक ट्रेनिंग चलेगा तब तक बन करके तैयार हो गए जवान, तब तक बाहर निकलो आर्मी से, सेना से, ना पेंशन देगा ना शहीद का दर्जा देगा। ऐसा नीति इन लोगों ने लाने का काम किया है। आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं, आप सब लोग ये जो बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं,
भलाई की बात नहीं करते हैं ये लोग, गरीबी की बात नहीं करते, केवल हिंदू मुसलमान दंगा फसाद की बात करते हैं। यही लोग झंझट झगड़ा लगाने में लगे रहते हैं। अरे आप बता रहा, नौकरी मिलेगा तो ब्याह हो जाएगा। कितने नौजवान बेरोजगार है जरा हाथ, कितने नौजवान डिग्री लेकर के बेरोजगार है। बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है? कितना लोग के उम्र चल जा रहा है सरकारी नौकरी के, और ब्याह के लोग की उम्र निकल जाता है। ब्याह नौकरी होगा तो अच्छा खासा ब्याह हो जाएगा, होगा कि नहीं? ब्याह हो जाएगा तो घर में बचवा आ जाएगा, होगा कि नहीं? पापा तीन रात मेहनत करेगा, बच्चा के सामने ला करके चॉकलेट देगा तो बच्चों को, माता पिता भी कुछ, सब सबकी संपन्न परिवार रहेगा। तो हम लोग कलम बांटना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, और भाजपा के लोग तलवार देना चाहते हैं। लड़ो आपस में, और तलवार उठाओगे तो केस मुकदमा होगा, जेल जाओ, है कि नहीं? नहीं तो ऊपर चला जाएगा, झगड़ा झंझट से किसी का भला होगा? ये देश सबों का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग भाई भाई हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। ये लोग सत्ता में है, बताओ 20 साल से मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री, क्या किया तलाने के लिए बता दो? सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से यही कहना कि उपचुनाव मत लेना 6 महीना 1 साल का, तरारी जीतेंगे तो अगला हम लोग बिहार जीतेंगे। तो सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा के बताइए, मेरे साथ नारा लगाइए, भाजपा भगा I don't know.